वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट दिलचस्प अजीब, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हम हमेशा देते हैं, आप भी महसूस होते हैं, हमें भी बहुत मज़ा आता है आपके लिए खबरें ढूंढ के लाने में, आपसे शेयर करने में। तो पहली खबर जो मैं ढूंढ के लाई हूँ, मैं बड़ी ही एक मुझे मज़े की खबर लगी जब मैं कल पढ़ रही थी कुछ न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ पढ़ रही थी कुछ, तो मैंने पढ़ा कि एक जोड़ा जिसकी शादी होने वाली थी, और ये भारत का इलाका है उत्तर प्रदेश, आप सबने अक्सर सुना होगा यूपी। हाँ, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ कि ऐन फेरों के मौका पर दुल्हन ने दुल्हा से शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब जब वो ऐसी क्यों? ऐसी कोई बात आप सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रीज़न होगी डेफिनेटली शादी के टाइम पे इतना बड़ा डिसीजन लेना कि आप शादी से ही इनकार कर देते हैं। तो रीज़न उसकी क्या निकली कि जी दो का पहाड़ा कहीं उसको सुनाने को कह दिया गया दूल्हे को, और दूल्हे को दो का पहाड़ा नहीं आया, तब टू का टेबल है ना। कितनी सॉरी, इंटरेस्टिंग खबर है कि जिसको टू का टेबल और वो सुनाने में नाकाम हो ये गया। तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि दो हाँ का पहाड़ा वो सुनाने में नाकाम हो गया। मतलब कि वो एक्सपेक्ट करी थी कि उसका जो शोहर होगा मियाँ होगा वो इंटेलिजेंट होगा, जब उसको पता हाँ लगा कि उसको बिल्कुल दो का पहाड़ा नहीं दो का, आया अब इसकी पता तो नहीं क्या रीजन उसकी होगी, हो सकता है वो उम्मीदें प्रेशर में और हो या उम्मीदें फिर सारी कोई टूट भी गई। इसकी वजूहात जो भी होंगी वो आपने जाके सर्च करनी कि क्या हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग कहें या अफसुर्दगी वाली बात, या जाहिर है जो जो सानिया हुआ तो सारे घर वाले सारे परेशान होंगे, लेकिन दुल्हन ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे शख्स से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती जिसको टू का टेबल ही नहीं आता। तो जो जो मेरा शो देख रहे हैं तमाम बच्चे, टू का टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेटे शादी नहीं होगी आपकी। तो ये था जी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सी खबर। ज़ुबैर से पूछते हैं कि क्या खबर आपसे शेयर जी, करें। मैं एक भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर जो है वो सर्च करके लाया हूँ कि बरतानवी यूट्यूबर ने दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज बनाया ताहिरा, अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल, और फिर से एक रिकॉर्ड बन गया। बनाकर और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और तफसीलात के मुताबिक इसने ये 16.46 फीट के दो जहाज बनाए हैं, अच्छा मतलब और 16 फीट, अच्छा इसका खासा बड़ा सोलह जहाज होगा। अशारिया छियालीस फुट के दो जहाज बनाए हैं और कामयाब तजर्बा किया है, लैंडिंग भी करवाई है, टेक ऑफ भी करवाया अच्छा है माशाल्लाह, इसने, और ये तजर्बा इसका बहुत ज्यादा कामयाब रहा है। और इनमें से एक जहाज बिल्कुल एन लैंडिंग के वक्त जो है वो तबाह भी हो गया है। इसके साथ मतलब एक्सपेरिमेंट वो कर रहा एक्सपेरिमेंट था, कर रहा एक था, तबाह हो एक गया लेकिन कामयाब हो एक गया, कामयाब रहा एक तबाह उसका। हो गया, दो उसने बनाए थे, एक तबाह हो गया, एक कामयाब हो गया। और ये जहाज खसूसी तौर पर लकड़ी फॉर्म और फाइबर का इस्तेमाल इस जहाजों की उसने तश्कील में किया है, बनावट में किया है, इसकी मेकिंग में उसने इन चीजों का इस्तेमाल किया है। तो जबकि अच्छा ये ये दो जहाज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये दो जहाज वाटरप्रूफ भी है। अच्छा जी, जबरदस्त, तो एक जहाज का तजुर्बा कामयाब करके उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम नाम बना लिखवा लिया। लिया है, और ये बरतानवी यूट्यूबर है। तो इस तरह की दिलचस्प अजीब खबरें हम अपने लास्ट सेगमेंट में आपसे शेयर तो दुनिया करते में कितना हैं, कितना और टैलेंट है आप दुनिया में देखिए कितना माशाल्लाह। टैलेंट है, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट शेयर करते हैं। अभी बिल्कुल ये ताहिरा ने आपसे जो खबर शेयर की ये साइकी पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि वो बिल्कुल, औरत एक्सपेक्ट करी थी कि उसका खावंद होने वाला पढ़ा लिखा होगा, उसको दो का पहाड़ा नहीं आया, तो उसने कहा कि मैंने से शादी नहीं करनी, पता शादी से नहीं इनकार कितना कर दिया बड़ा उसने अपने दिमाग में एक स्केच सोचा होगा, कि क्या पता नहीं क्या कैसा सोचा होगा, होगा, क्या अरमानों में होगा, पानी फिर अरमानों गया, में पानी फिर गया। तो उसने सोचा अभी तो इनकार कर दूं। तो अब आपने करना क्या है, कोई भी किसी भी किस्म की, हम अपने डेली बेसिस पे प्लेटफॉर्म्स यही बात शेयर करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हमें देनी हो, किसी भी वाले से कोई भी डिटेल, कोई भी तफसील बतानी हो, हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं किसी भी वाले से, पुलिसिंग के हवाले से अपने मॉर्निंग शो में, तो वो आपने कमेंट कहाँ करना है ताहिरा, प्लीज बताएं। बिल्कुल जी, कोई भी क्यूरी आप हमसे डिस्कस करते हैं कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, आप हमें कहाँ बता सकते हैं। हमारा ट्विटर का अकाउंट है PSCS सेफ सिटीज़, और हमारा फेसबुक का अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़। इसके अलावा हम यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, लिंकडिन, इंस्टा, हर जगह मौजूद हैं। आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं, हमसे रابطہ भी कर सकते हैं। आपने हमसे रابطہ करना है, हमें आगाह करना है अपनी कीमती आरा से, अपने कमेंट्स से, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं आपके कमेंट्स। तो ये था जी हमारा आज का, बिल्कुल ये एंडिंग करने से पहले मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि हम अपनी टीम के, अपने मॉर्निंग शो के जो टेक्नीशियंस हैं, जिसमें कैमरा एक्सपर्ट आते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोड्यूसर साहबान आते हैं, जिसके अंदर हमारा कंटेंट राइटर आते हमें हैं, जो आप ये देख रहे पूरी हैं देख रहे हैं, ये इसके पूरी पीछे एक मेहनत एफर्ट है, है, इसके बिल्कुल पीछे एक एफर्ट है, ये पूरी टीम है। तो आज हम उस टीम को अपने इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश बिल्कुल करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ना होते तो शायद हम इतना अच्छा शो अपने नाजरीन के लिए
लिए पेश ना कर पाते। बिल्कुल, तो क्योंकि जो जो दो लोग आपको नजर आ रहे होते हैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है, टीम होती है, टीम वर्क होता है। तो इसी के साथ आप मुझे और ताहिरा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट डे एक अगले मॉर्निंग शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।